हाय हेलो नमस्कार, मुझ जसमंत आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आउ हाँ, आज आम भिडियो कौन कथा हाँ ना मोस्ट पॉसिबल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या उपरे ना प्रेगनेंसी आउ चाइल्ड बर्थ उपरे। ठीक अच्छे, तो आज आम प्रेगनेंसी आउ चाइल्ड बर्थ उपरे बहुत गुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करवा। तो भिडियो को लास्ट जाए देखो। आउ हाँ, आम ये भाव बहुत गुड़े क्लास भिडियो बनई सारे जब आपसब भिडियो को देखा चाहते से सब भिडियो देखी ना देन तले डिस्क्रिप्शन में सब भिडियो लिंक अच्छी जैसे आपने निश्चिंत देखिपारे। जब भिडियो आपको भल लगे निश्चित भिडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, आपंक सांग सहित आप सब ग्रुप भिडियो को सेयार करूँ, जमीक सब पिला भिडियोर लाभ पाइपे। आउ हाँ, जदि आपने सब्सक्राइब करना एवं जाकर जोरदेल सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को अल् रखु। एमती इंटरेस्टिंग भिडियो सर्वप्रथम आपने निश्चिंत देखिपारे। आउ सब भिडियो भी आम आपको ये भिडियो दुईट क्वेश्चन पचार जोटा कि आप छः नंबर आ आठ नंबर अच्छी। छः नंबर में गोटे इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड आठ नंबर में गोटे आपको नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पचराई देखा कैसे पिला तार आइटेंस दौरान। आज जदि आप आइटेंस जना सागे सागे तले कमेंट कमेंट कर दिंतु, आम आपको कमेंटर अपेक्षार अच्छे निश्चित आपको कमेंटर रिप्लाई देव। आउ जदि आपको राइट आंसर जाना ना तो नेक्स्ट भिडियो वेट करूँ, आम तार राइट आंसर सहित आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट भिडियो आपको करदेव। आउ गोटे कथ, यहाँ हूँ आम फोनपे आ पेटीएम नंबर। जब आपको भिडियो टी भल लगी टी इंटरेस्टिंग लगी देन आम हार्डवर्क को आपने सपोर्ट करने चाहते देन आपड़ी आपको कैपेबल अनुजाई किसी भी पेमेंट करेंगे। आउ हाँ, जो मैंने प्रीवियस भिडियो देखिए पेमेंट करते हैं शहे दुई तीन सौ जहाँ भी बहुत बहुत धन्यवाद। एमती आपको सपोर्ट करता आम आपको यही भाव इंटरेस्टिंग भिडियो प्रोवाइड करूँ। आउ हाँ, जो मैंने पेमेंट कर मोस्ट इंपोर्टेंट कथ, आप पेमेंटर से जो पेमेंट कर स्क्रीनशॉट आमको आम नंबर में पठात आम यही नंबर में व्हाट्सअप अच्छी। तो आपको से स्क्रीनशॉट शेयर कलापर आम आपको गोटे इंटरेस्टिंग ग्रुप में एड करदेव जो थी बहुत पिला ऑलरेडी एड हो सारे आम किसी ओटीपीएससी रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड किसी टिप्स आमर किसी क्वेश्चन आंसर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करू। तो ठीक अच्छे, जदि आपको जॉइन होवार अच्छी देन एटी पेमेंट करी जहाँ भी आपको अमाउंट शहे दुई तीन सौ देन तार स्क्रीनशॉट आमको शेयर कले आम आपको से इंटरेस्टिंग ग्रुप में एड करदेव। आउ हाँ, जदि आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन ना तले डिस्क्रिप्शन में दुईटार लिंक अच्छे जाकि जल्दी जल्दी ग्रुप में एड हो जातु से आम किसी भी अपडेट किसी भी न्यू भिडियो छाड़ू आपने सर्वप्रथमें पारे। तो ठीक अच्छे, आसतु आज इंटरेस्टिंग क्लास भिडियो को स्टार्ट करवा। तो आज इंटरेस्टिंग क्लास भिडियो को आम स्टार्ट करने पूर्व गत जो भिडियो आपको दुईट क्वेश्चन पता थी तो आपको कहूँ तो देखो राइट आंसर कौन हम। तो देखो फास्ट क्वेश्चन आपंपा कौन थी नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच ऑफ यूरिन इज। ठीक अच्छे, तो आम पीएच ऑफ यूरिन तो नॉर्मल रेंज आम यूरिन रेते पीएच। ठीक अच्छे, तो भाव मैंने क्वेश्चन निश्चित बुझीपारे ऑप्शन कौन थी ना 4.5 रु 8.0 जीरो ना 4.0 रु 6.0 जीरो ना 6.0 जीरो रु 7.0 जीरो ना 7.0 जीरो रु 8.0 जीरो। ठीक अच्छे, तो राइट आंसर कौन हम बहुत पिला मैंने राइट आंसर दे भाई किसी पिला भी कन्फ्यूज होती तो जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना मन रखुदू आज जमा भी भूलेंगे। तो मन रखुदू तुम नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच ऑफ यूरिन कैसे दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज 4.5 टू 8.0। ठीक अच्छे, जमा भी कन्फ्यूज हो जन जन कन्फ्यूज होती कि हाँ आम गोटे गोटे बही रही के 4.6 रु 7.8 कि 8.0 एटा नॉर्मल अकॉर्डिंग टू ऑथर एटा टिके टिके डिफरेंट करे तो एटा आपन को एटा भी करेक्ट हबो देन एटा भी करेक्ट हबो। ठीक अच्छे, तो आपन को ऑप्शन देखियार अछि ऑप्शन कोन देजी तो जदि ताकू कि कम बेसी दौर आपको से ही ऑप्शन टाक चूज करार अच्छे। तो ठीक अच्छे, तो भाव आपचिंत बुझीपारे एवं आपको एक्सप्लेनेशन देखे दूसरी देखो। तो एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना ये न्यूट्रल पीएच इज 7.0 आपंथे आम सेभेन रु आम जो सेभेनटा नर्माल सेभेन रूप गए अल्कालाइन एंड तौक आसे आम एसीडिक। ठीक अच्छे, देन कौन कहला तो आवरेज यूरीन सैंपल टेस्ट आट एबाउट 6.0 मेनली आम केूरीन आवरेज थाए दैट इज 6.0 देन कौन कहला ना बट टाइपिकल यूरीन पीएच मे रेंज फ्रम 4.5 टू 8.0। ठीक अच्छे, तो कौन कहला ना आम टाइपिकल यूरीन यूरीन पीएच जो रहा है तार रेंजटा मैंने केते भितर मेनली रहा कथा देन आम केट इज 4.5 टू 8.0। ठीक अच्छे, तो आपको यदि 4.6 रु 8.0 देखिए भी आम राइट आंसर हम तो जमा भी कन्फ्यूज हो। तो देखो तापर कौन कहला ना तो हायर द नंबर द मोर बेसिक योर यूरीन इज द लोअर द नंबर द मोर एसीडिक योर यूरीन इज जोटा कि आपको कहली जदि आम 4.5 रु आहरी यूरीन मैंने यूरीन पीएच आम कमु देन आम से हम कौन दैट इज एसीडिक देन जदि 8.0 रु अधिक हो 8.0 हो देन आम से कौन दैट इज बेसिक अल्कालाइन। ठीक अच्छे, तो भाई आपचिंत बुझीपारे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थी पूर्व भिडियो देखो तो कौन थी ना हेमोडायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ। ठीक अच्छे, तो हेमोडायलिसिस कहले कौन आपको ये राइट आंसर देवार थिला तो देखो ऑप्शन कौन देता ना एडिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड को आम हेमोडायलिसिस कहवा ना एक्सट्राक्टिंग नाइट्रोजेनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड को आम हेमोडायलिसिस कहवा ना एक्सट्राक्टिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड को आम हेमोडायलिसिस कहवा
ନା ମିକ୍ସିଂ ବ୍ଲଡ୍ ୱିଥ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ହେମୋଡାଲିସିସ୍ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ହେମୋଡାଲିସିସ୍ ଏଠି କାହାକୁ କହିବା ବା ହେମୋଡାଲିସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପିଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେମୋଡାଲିସିସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବ୍ଲଡ୍। ତ ଆମର ହେମୋଡାଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ହୁଏ ବା ଆମର ବ୍ଲଡ୍ରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା ସେସବୁକୁ ଆମର କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେମୋଡାଇଲିସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍, ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ନା ହେମୋଡାଇଲିସିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସିଜୁର ହ୍ୱେର୍ ଏ ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଫିଲ୍ଟର କଲ୍ଡ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କିଡ଼ନୀ ଅର୍ ଏ ଡାଇଲାଇଜର୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ୟୋର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୟୋର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଡାଇଲାଇଜର୍ ଦ ଡକ୍ଟର୍ ନିଡ଼୍ସ ଟୁ ମେକ୍ ଆନ୍ ଆସେସ୍ ଅର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ମାଇନର୍ ସର୍ଜରୀ ୟୁଜୁଆଲି ଟୁ ୟୋର୍ ଆର୍ମ। ତ କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ହେମୋଡାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଥାଏ କ'ଣ ମେନ୍ଲି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କିଡ଼ନୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଇଲାଇଜର୍ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା ବା ଆମର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଆମର ତାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ କାଢ଼ କଢ଼ାଯାଏ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେମୋଡାଇଲିସିସ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମେଜ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ନା ନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କିଡ଼ନୀ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇସ୍ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବ୍ଲଡ୍ ଥ୍ରୋ ଡାଇଲିସିସ୍। ଡାଇଲିସିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମିନେଟିଂ ୱେଷ୍ଟ ବାଇ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଅନ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ୱାଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବ୍ଲଡ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କିଡ଼ନୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଡାଇଲାଇଜର୍ ମେସିନ୍, ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ରିମୁଭ୍ କରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ୱେଷ୍ଟକୁ କାହା କତିରୁ, ନା ଆମର ବ୍ଲଡ୍ରୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବାହାର କରେ। ଦେନ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ କରେ ଆମର ଅନ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ୱାଟର୍, ତ ବ୍ଲଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ୱାଟର୍ ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଥାଏ ବା ବାହାର କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମେଜ୍ଟି ଏବେ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇଲାଇସିସ୍ ମେସିନ୍ ବା ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମେନ୍ଲି ପେସେଣ୍ଟ ବଡିରୁ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଇକିରି ଆମର ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହେଇକିରି ପୁଣି ପେସେଣ୍ଟ ବଡିକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇକିରି ବ୍ଲଡ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେନ୍ ପୁଣି ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ସେଇ ବ୍ଲଡ୍ ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ହେମୋଡାଲିସିସ୍ ଉପରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ନା ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ଇଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍ କ'ଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ଭଲସେ, ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ପର୍ 1 ଲାଖ୍ ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ, ନା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ପର୍ 10,000 ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ, ନା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ପର୍ 1,000 ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ, ନା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ଫର୍ 100 ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆମେ ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍କୁ ମାନେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥାଉ, ଏଠି ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଦି ଆମର ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍, ନା 10,000, ନା 1,000, ନା 100, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଏଲାବୋରେଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍କୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ପର୍ 1 ଲାଖ୍ ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ। କ'ଣ କହିଲା ନା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ଗୋଟେ ଆମର ଇୟର୍ରେ କେତେ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଆମର, ତା ସହିତ କେତେ ନା 1 ଲାଖ୍ ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି? 1 ଲାଖ୍ ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆମର କେତେ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍, ଯେଉଁଟା କହିଲା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, ତ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଗିଭେନ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ 1 ଲାଖ୍ ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଗିଭେନ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବା ଆମର 1 ଇୟର୍ ଦେଇଛି, ତ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଆମର କେତେଟା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା ପର୍ କେତେ ନା 1 ଲାଖ୍ ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଥ ଭିତରେ ଆମର କେତେଟା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେସିଓ ବା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ କି ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତାର ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ଓମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅର୍ ୱିଦିନ୍ 42 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି।
irrespective of the duration or site of pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management but not from accident or incidental causes. तो देखो तो interesting कौन कहिला ना maternal mortality कहिला अपन को कौन बुझे हो बा कहाँ रो death बुझे हो ना तो death of a woman कौन कहिला ना कुटे महिला को death जोड़ा कि से कौन थी बे ना से तो वाला से pregnant थी बे नॉलेज से within 42 days of termination of pregnancy ना termination of pregnancy रो 42 days पौर भी जिधि हितवो तंकु भी हमें कोई कौन दैट इज एमएमआर कहिबा तो से मानुको आमे नेगरी मैटरनल मोर्टालिटी रेट करिथौ किंतु जदि हमर एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल किसी कॉज होउची माने प्रेगनेंसी अछंती किंतु एक्सीडेंट हे जाउची कि माने किछि भी इंसिडेंट हे जाउची छात्र पड़ी गेले कि कोन होले से सब को आमे मैटरनल मोर्टालिटी नौ नौ ठीक अछि तो बाबू जी अपन माने निश्चित बुझी परले तो देखंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखंतु कोन अछि अपन पई ना केगल एक्सरसाइज आर मेनली यूजफुल इन ठीक अछि तो ओटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिबा केते प्लान अटेंशन जणा अछि कोन कहला ना केगल एक्सरसाइज हमरो मेनली कोन पई यूजफुल हेता ठीक अछि देखंतु ऑप्शन प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग पई हम केगल एक्सरसाइज करथौ ना प्रिवेंशन डिसमेनोरिया पई हम केगल एक्सरसाइज करथौ ना स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेल्विक मसल पई हम केगल एक्सरसाइज करथौ ना प्रिवेंट इन्फेक्शन पई हम केगल एक्सरसाइज करथौ ठीक अछि तो देखिबा केते पिला को राइट आंसर जणा अछि आ को पिला माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट रे पार्टिसिपेट करछन्थि तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन रे आपनकर राइट आंसर लिखि दियंतु ठीक अछि तो केगल एक्सरसाइज कहले कोन That is the right answer is option C. That is strengthening of the pelvic muscle. ठीक अछि हमर केगल एक्सरसाइज कोले कोन हुए देखंतु हमर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेल्विक मसल ठीक अछि तो पेल्विक मसल हमर स्ट्रेंथनिंग हुए तो स्ट्रेंथनिंग हेले हमर कोन हुए अपन को मु कहि देबी तो देखंतु एक्सप्लेनेशन कोन कहिला देखिनंतु केगल एक्सरसाइज आर डन टू स्ट्रेंथन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स योर पेल्विक फ्लोर मसल्स आर द सेट ऑफ मसल्स You use to stop the flow of urine midstream when you are sitting on the toilet. Strengthening these muscles help you prevent urine leakage, prevent accidentally passing gas or poop, and can even improve your orgasm. ठीक अछि तो कोन करे देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन केगल एक्सरसाइज हमर कोन करे दैट इज हमर स्ट्रेंथनिंग करे काहा को ना पेल्विक फ्लोर मसल को ठीक अछि तो पेल्विक फ्लोर को मसल को हमर स्ट्रेंथनिंग करू छी तो सेटा हमर कोन होबो देखो दैट इज हमर पेल्विक फ्लोर मसल लो काम कोन दैट इज एटा हमर कोन करथै ना स्टॉप द फ्लो ऑफ यूरिन मिडस्ट्रीम यूरिन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द टॉयलेट ठीक अछि तो आपन माने जति भी देखिथिबे गोटे माने आपनकर किछि भी हमर ब्लैडर रो गोटे कंट्रोल पाए नै ठीक अछि तो पेल्विक मसल लो किछि कंट्रोल पाए नै आपन माने माने वॉइडिंग करिया पई चाहु नथिबे वॉइडिंग हे जीवो तो सेही भली जगह रे कोन हुए जदि हम केगल एक्सरसाइज करू जे मेनली कोन हुए ना हमर से जो पेल्विक मसल रहिला सेटा हमर स्ट्रेंथनिंग हुए जोरे कि हमें किछि भी ए सब जो रहिला कार्य ताको हमें अटकी परिबा ठीक अछि जोटा कि हमर स्ट्रेंथनिंग हबो पेल्विक मसल जोटा कि हमर रहिला यूरिन लीकेज हे जाउची बा हमर एक्सीडेंटली पास हमर गैस और पूप हे जाउची जोटा कि हमर एटा कोन ना पेल्विक मसल को जदि हमें कंट्रोल करि परिबा नै ए सब देखा जिवो ठीक अछि जदि हमें ए केगल एक्सरसाइज करू जे देन कोन हबो हमर पेल्विक मसल जेहेतु स्ट्रेंथनिंग हला तो ए सब को हमें कोन करि परिबा दैट इज हमें ए सब को दूरै परिबा ठीक अछि तो बाबू जी आपण माने निश्चित बुझी परले केगल एक्सरसाइज कोन बोली तो देखिनु आपण को मु देखि दो जी केगल एक्सरसाइज रो जो बेनिफिट रहला सब कोन दैट इज देखंतु यूरिनरी बाउल इनकंटिनेंस जदि आपण को बाउल इनकंटिनेंस होउची देन आपण माने ए केगल एक्सरसाइज करले आपण को निश्चित बेनिफिशियरी मिलिबो देन स्ट्रेंथनिंग पेल्विक फ्लोर मसल जोडे आपण को राइट आंसर रहला देन देखंतु इजी लेबर एंड डिलीवरी तो हमर इजी लेबर आ डिलीवरी रे मध्ये हेल्प करे देन हीलिंग हेमोरॉइड्स ठीक अछि जोडे कि हमर हेमोरॉइड्स को मध्ये माने हील करिथे ठीक अछि तो बाबू जी आपण माने निश्चित बुझी परले केगल एक्सरसाइज कोन आ तार बेनिफिट कोन आ हमर केमिति पेल्विक फ्लोर रो माने ता परे स्ट्रेंथनिंग करे बा स्ट्रेंथनिंग कले हमें कोन हमर हेल्पफुल हेथे ठीक अछि तो हम एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो आपण पई कोन अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू WHO जोडा करेला हमर कोन दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन When should the mother starts breastfeeding to the infant? कौन कहिला ना according to WHO हमर WHO द्वारा आमे केबे बा गोटे मदर आमर केबे ब्रेस्टफीडिंग दे पारिबो ठीक अछि गोटे इन्फेंट को देखंतु ऑप्शन कोन दे छी ना विदिन 1 आवर आफ्टर बर्थ रे आमर जने मदर दे पारिबो ब्रेस्टफीडिंग ना विदिन 18 आवर्स आफ्टर बर्थ रे आमर जने मदर दे पारिबो ब्रेस्टफीडिंग देन आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ रे आमर ब्रेस्टफीडिंग दिया हबो ना विदिन 2 डेज आफ्टर बर्थ रे आमर ब्रेस्टफीडिंग दिया हबो तो ठीक अछि बाबू जे ऑप्शन तो आपन निश्चित बुझी गेले देखिबा राइट आंसर को पिल मान दउछन तो आमर जने मदर अछन्ती से तांको चिल्ड्रन को आमर केते घंटा परे बा केते दिन परे हमरो ब्रेस्ट फीडिंग करेबे ठीक अछि तो डिलीवर रो केते घंटा परे हमरो ब्रेस्ट फीडिंग करेबे तो
राइट आंसर कौन हम देखा कैसे पिला रईट आंसर जाना अच्छी आपको जो जहाँ था सागे सागे तेज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो देखो आर रईट आंसर कौन हम दैट इज आम कते घंटा पर ब्रेस्ट फिडिंग कराइबा दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज विदिन वन आवर आफ्टर बाथ। ठीक अच्छे तो गोटे मान बेबी डेलीवरी पर आम कते घंटा पर मानने ब्रेस्ट फिडिंग कराइबा दैट इज विदिन वन आवर आफ्टर बाथ। ठीक अच्छे तो बाथर पर आम वन आवर भितर मेनली आम कौन करवा ना ब्रेस्ट फिडिंग मानते स्टार्ट करदे जोटा कि बेबी भी बहुत हेल्पफुल हम आ माँ भी बहुत हेल्पफुल हम तो कौन कौन हेल्पफुल हम तो आपको एक्सप्लेनेशन देखिए तो एक्सप्लेनेशन देखो एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रेन इनिशिएट ब्रेस्ट फिडिंग विदिन द फास्ट आवर अफ बाथ एंड बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड फर द फास्ट सिक्स मंथ अफ लाइफ मीनिंग नो अदर फुड्स और लिक्विड्स आर प्रोभाइडेड इनक्लूडिंग व्टर इनफेन्ट सुड बी ब्रेस्ट फेड अन् डिमाण दैट इज आज अफन आज द चाइल्ड वाट्स डे एंड नाइट। देखो कौन कहला ना WHO और यूनिसेफ द्वारा आमर कौन दैट इज ब्रेस्ट फिडिंग आम के स्टार्ट करवा ना आफ्टर बाथ रे विदिन द फास्ट आवर तो फास्ट वन आवर भितर आम ब्रेस्ट फिडिंग स्टार्ट करदे देन छस जाए आम सेम ब्रेस्ट फिडिंग देवा केवल ब्रेस्ट मिल्क जोटाक आम कौन बोली कही था दैट इज एक्सक्लूसीव ब्रेस्ट फिडिंग कही था केवल मिल्क आम छस जाए देवा जो थे कि फूड किसी भी लिक्विड आम आड हो नए। ठीक अच्छे तो भावी आप निश्चिंत बुझीपारे तो सहीटा कौन ना आम अकॉर्डिंग टू बेबीज आम रहा डिमांड अनुसार दिहब जोटा कि रहा डे नाइट जिते बड़े भी बेबी डिमांड रहा आमर से दिज्व। ठीक अच्छे तो भावी आप निश्चिंत बुझीपारे तो देखो जोटा कि आपंकर क्वेश्चन तो ब्रेस्ट फिडिंग आम के दैट इज वन आवर आफ्टर द चाइल्ड बाथ डेलीवरी। ठीक अच्छे ब्रेस्ट फिडिंग में आम मेनली कौन हेल्पफुल हम ना थर्मो रेगुलेशन हम आम बेबी जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हम मदर रेनली आम थर्मो रेगुलेशन हम देन आम मदर रो यूटेराइन ब्लीडिंग अच्छी सेटा भी कंट्रोल हम तो ठीक अच्छे तो भावे आप निश्चिंत बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते आप कौन अच्छी द मदर्स प्लासेंटा वेट 500 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट अफ दि फुल टर्म न्यूबॉर्न। देखो गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूरा कन्फ्यूजिंग निश्चिंत कराइब। देखो कौन कहला ना जन मदर अच्छा जहाँकि प्लासेंटा वेट केट इज 500 ग्राम। ठीक अच्छे 500 ग्राम तर के प्लासेंटार वेट। ठीक अच्छे तो आप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड द वेट अफ दि फुल टर्म न्यूबॉर्न तो आपको ये कौन दे पूरा देखो पूरा मैथ भाया दे आपको ये प्लासेंटार वेट दे दैट इज 500 ग्राम देन आपको ये पचार कौन दैट इज पचार न्यूबॉर्न आम जो टर्म न्यूबॉर्न बेबी रेते दैट इज वेट के। ठीक अच्छे तो देखा कैसे पिला रेट आंसर जाना कही रखुची आपको ऑप्शन कौन देट इज 5 kg ना 4 kg ना 3 kg ना 2 kg। ठीक अच्छे तो जदि गोटे आम मदर र्लासेंटार वेट हुए 500 ग्राम आपको जब से कैलकुलेट करने बेबीज न्यूबॉर्न रेट के तो आपठी कौन करेंगे देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो भावी आप क्वेश्चन टी हार्ड लगुव आपको निश्चिंत कन्फ्यूज भी लगुव। ठीक अच्छे तो मुझको रईट आन्सर कह रखुच्छी निश्चिंत मन रखिए तो रईट आन्सर कौन हम दैट इज द रईट आन्सर इज ऑप्शन सी दैट इज 3 kg। तो जदि आम गोटे प्लासेंटार वेट हुए 500 जो इनफेंट रहा जो न्यूबॉर्न रहा तार वेट के हम दैट इज ऑप्शन सी 3 kg। तो आप भावुवे कि राइट आंसर 3 kg केमी है तो आपको निश्चिंत कही रखुच्छी देखो कौन देता ये ना प्लासेंटा वेट देता 500 ग्राम। ठीक अच्छे तो जदि आम अकॉर्डिंग टू रूल आम जदि प्लासेंटा वेट 1 है देन आम न्यूबॉर्न वेट के दैट इज 1:6 जदि 1 है तार आम 6 गुणा हूँ कौन दैट इज आम गोटे न्यूबॉर्न वेट। तो देखो ये आपको कैसे आपको ये 500 ग्राम रोटे प्लासेंटा मानने मदर र्लासेंटा अच्छी तो जदि 500 ग्राम र्लासेंटा अच्छी आम 1 धरले देन 1:6 गुणा केट इज 500 गुणा आप जापर थे निश्चिंत केट इज 3000 ग्राम दैट इज आम रईट आन्सर इज 3 kg। ठीक अच्छे तो आपको गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निश्चिंत आप मन रखु ना ये सूत्रटा भी आपश्चिंत लिखिकी रखु 1:6। ठीक अच्छे तो देखो आपको ये मुझे एक्सप्लेनेसन कह रखुच्छी तो एक्सप्लेनेसन कौन देखा देखो द एबिलिटी ऑफ द फिटस टू ग्रो एंड थ्राइव इन यूटेरो डिपेंड्स ऑन द प्लासेंटल फंक्शन एंड द एवरेज वेट ऑफ द प्लासेंटा एट टर्म इज 508 ग्राम। ठीक अच्छे तो आम एवरेज वेट के प्लासेंटा एट टर्म 508 ग्राम द रेशियो बिटवीन प्लासेंटा वेट एंड बाथ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न इज 1:6 जोटा कि आपको मुझे कहली
ठीक अच्छे। तो प्लासेंटार वेट जदि आट टर्म आम जब वन हो देन तार बाथ वेट के दैट इज छ गुणा जोटा कि वन इज टू सिक्स। हाउ एवर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट भारी वाइडली पर्टिकुलरली ड्यू टू डिफरेंसेस इन प्लासेंटल प्रिपेरेशन। ठीक अच्छे। तो यहाँ मे भी बहुत जगह भारी करे आम जो रहा चाइल्ड मान क्षेत्र में कम बेसी हो पाए। तो ठीक अच्छे भावजी आपने निश्चिंत बुझीपारे। तो निश्चिंत मन रखुद जब प्लासेंटार है वन देन वन इज टू सिक्स होते दैट इज आम न्यूबॉर्न वेट। ठीक अच्छे। आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आप कौन अच्छी पांच नंबर लेबर स्टार्ट्स विथ पेन एंड एंड्स विथ डेलीवरी ऑफ। ठीक अच्छे। तो कौन कहला आपने निश्चिंत जानते हैं लेबर कौटू स्टार्ट हुए दैट इज पेन जिते स्टार्ट हुए से लेबर स्टार्ट हुए देन कौन कहला ना आम सरे के कहार डेलीवरी पर आमर लेबरटा सरे। ठीक अच्छे। अम्बिलिकल कॉर्ड रो डेलीवरी पर सरे ना फिटस डेलीवरी पर सरे आम लेबर ना यूटेरस डेलीवरी पर सरे ना प्लासेंटार डेलीवरी पर सरे। ठीक अच्छे। देखा कैसे पिला रईट आंसर दौरान। तो रईट आंसर कौन हम दैट इज आम लेबर स्टार्ट हुए पेन रे देन आम पेन स्टार्ट आमर जो रहा डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स देन आम चाइल्ड बर्थ देन आम कौन दैट इज डेलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। ठीक अच्छे। तो आम प्लासेंटार डेलीवरी पर आम लेबर जो शेष स्टेजा हो कौन दैट इज आम प्लासेंटल डेलीवरी। ठीक अच्छे। तो बाबूजी आपने मन रखिए। तो ठीक अच्छे आपको मुझे देखे दूँ। तो ये सब जमा भी हेनी अम्बिलिकल कॉर्ड हेनी फिटस भी हेनी यूटेरस भी हेनी। तो लास्ट पार्ट आम कौन दैट इज प्लासेंटल डेलीवरी। ठीक अच्छे। आपको एक्सप्लेनेशन देखे दूसरी देखो एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना तो फास्ट स्टेज स्टार्ट व्वेन लेबर बिगिन्स एंड एंड्स विथ फुल सर्वाइकल डायलेशन एंड एफासमेंट। द सेकेंड स्टेज कमेंसेस विथ ए कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन एंड एंड्स विथ डेलीवरी ऑफ द फिटस। द थर्ड स्टेज इनिशिएट्स आफ्टर द फिटस इज डेलीवर्ड एंड एंड्स विथ व्हेन द प्लासेंटा इज डेलीवर्ड। जोटा कि आपको मुझे कहली तो आम फास्ट स्टेज के स्टार्ट हुए जहाँकि जानले कि लेबर पेन आरंभ है देन आम सर्वाइकल डायलेटेशन है देन आमर से फास्ट स्टेज पड़ेगा देन सेकेंड स्टेज कौन है ना फुल्ली आम सर्वाइकल डायलेटेशन देन आम कौन है ना फिटस डेलीवरी है सेकेंड स्टेज देन थर्ड स्टेज रे कौन है ना फिटस डेलीवरी स्टेज पर जो आम प्लासेंटल डेलीवरी है जोटा कि आम रहा थर्ड स्टेज। ठीक अच्छे। तो आम लास्ट स्टेज कौन है दैट इज प्लासेंटल डेलीवरी। ठीक अच्छे। भाई आप निश्चिंत बुझीपे। तो आम एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जी जोटा कि आपको रईट आंसर कहार अच्छी। तो इमेज टी देखो आज जब रईट आंसर आपको जाना था सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करदे। ठीक अच्छे। देखो छह नंबर कौन देती ना आइडेंटिफाई द इमेज शोन इन द बिलो। ठीक अच्छे। कौन कहला ना जो बिलो इमेज टी देखा कौ पोजिशन कौन बोली आपको कहार अच्छे। देखो यहाँ नी चेस्ट पोजिशन ना एटा फाउलर्स पोजिशन ना एटा लिथोटोमी पोजिशन ना एटा डोर्साल रिक्रुटमेंट पोजिशन। ठीक अच्छे। तो यहाँ कौ पोजिशन आपको कहार अच्छे। तो देखा केते पिला राइट आंसर जाना अच्छी हाँ जब आपको जाना था आपको काम जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। ठीक अच्छे। आ हाँ जब जो पे जाना ना नेक्स्ट वीडियो को वेट करूँ आपको राइट आंसर सहित आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन करदेवि। ठीक अच्छे। एक क्वेश्चन आप रहा आपको राइट आंसर कहार अच्छे। तो भलेसे इमेज टी देखो देन ऑप्शन भितर राइट आंसर तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। तो आम एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सात नंबर आप कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड व्हेन ए पोस्टपार्टम क्लाइंट हु इज रिसीविंग हेपारिन फर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप्स कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू हेपारिन थेरापी। देखो भलसे आगे क्वेश्चन टी बुझे ये कौन देखिए आपको देखो भाभी क्वेश्चन टी बुझे आपश्चिंत रईट आंसर कहीदेवे। ठीक अच्छे। कितु आप आगे क्वेश्चन बुझार अच्छे। देखो ये कौन कहला पोस्टमार्टम क्लाएंट अच्छा जी कौन कर रिसीविंग हेपारिन मैंने हेपारिन को दि जाऊँगी एडमिनिस्ट्रेशन हो देहर तो कौन कहला ना तर कौन ना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जेहतु होपारिन नौ देन तर हेपारिन किसी कॉम्प्लिकेशन आरइज है। ठीक अच्छे। तो कौन दिज्व। ठीक अच्छे। तो कौन कहला ना तर हेपारिन किसी कॉम्प्लिकेशन है तो ये कौन दिज्व। देखो भावी आप क्वेश्चन टी बुझीपारे एवं ऑप्शन टी देखो विटामिन के दिज्व ना कैल्शियम ग्लूकोनेट दिज्व ना प्रोटामिन सल्फेट दिज्व ना आस्पिरिन दिज्व। ठीक अच्छे। तो आपको मुझे आंसर तो आपके मुंड खटातु निश्चिंत आपको यहाँ कन्फ्यूजिंग कर देखा कैसे पिला रईट आंसर दौरान। तो जल्दी जल्दी आपड़ी रईट आंसर जना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। ठीक अच्छे। तो आपको मुझे क्वेश्चन टी आउ भलसे बुझेदेवी आपने निश्चिंत रईट आंसर कहीपरेंगे। ठीक अच्छे। कितु आपके मुंड खेलांतु जोटा कि आपको रईट आंसर ये कहार अच्छे। ठीक अच्छे। तो रईट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। ठीक अच्छे। क्वेश्चन ने कौन देता दैट इज जड़े हेपारिन नौकर हेपारिन किसी कॉम्प्लिकेशन है ओवरडोज है तो आम कौन देवा। ठीक अच्छे। आपण क्वेश्चन बहुत थर आसी हेपारिन रो एंटीडोट कौन दैट इज आपने जानते हैं दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। ठीक अच्छे। तो आपको
এইভাবে ইন্টারেস্টিং কোশ্চিন আসব জমা বি ব্যস্ত হবেনি ভালসে কোশ্চিনটি পড়বে দেন যাই অপশন পড়বে দেন যাই রাইট আনসার দেবে ঠিক আছে। তো আপনার ভাবুছি নিশ্চিত বুঝিপারে তো যেটা কি আমার হেপারিন যেটা কি আমার আন্টিডোট দ্যাট ইজ প্রোটামিন সলফেট। তো এক্সপ্লানেশন দেখি নিয়ন্তু এক্সপ্লানেশন কোন কহিলা না প্রোটামিন সলফেট ইজ এ বেসিক প্রোটিন ডেরাইভ ফ্রম ফিস স্পর্ম দ্যাট বাইন্ডস টু হেপারিন টু ফর্ম এ স্টেবল সল্ট। 1 মিলিগ্রাম অফ প্রোটামিন সলফেট নিউট্রালাইজেস আপ্রক্সিমেটলি 100 ইউনিটস অফ হেপারিন। তো দেখুন কোণ কহিলা না প্রোটামিন সলফেট ইজ এ বেসিক প্রোটিন যেটাকি আমার গোটে প্রোটামিন সলফেট কোণ না গোটে প্রোটিন যে কি ডিরাইভ ফ্রম ফিস স্পর্ম আর সেটা কোণ করে না বাইন্ডস দ হেপারিন। কোণ কহিলা আমার হেপারিন র যে কাম রহিলা তাকু টোটাল বাঁধি দিয়ে বা তাকু আমার কাম করিয়া কো দিয়ে নি যেটা কি কোণ কহিলা না 1 মিলিগ্রাম অফ প্রোটামিন সলফেট নিউট্রালাইজেস আপ্রক্সিমেটলি 100 ইউনিটস অফ হেপারিন ঠিক আছে। তো 1 মিলিগ্রাম অফ প্রোটামিন সলফেট আমার 100 ইউনিটস অফ হেপারিন কু নিউট্রালাইজিং করে পারিব। তো ঠিক আছে ভাবুছি আপনার নিশ্চিন্ত বুঝিপারে যার কি আমার হেপারিন আন্টিডোট দ্যাট ইজ প্রোটামিন সলফেট ঠিক আছে। তো আমি এবার নেক্সট কোশ্চিন যা তো নেক্সট কোশ্চিন যেটা কি আপনার রাইট আনসর কহার আছে। তো দেখা কত পিলা রাইট আনসর দেখছেন গোটে ইন্টারেস্টিং কোশ্চিন আর হ্যাঁ আপনার নিশ্চিন্ত কনফ্যুজিং করাইব। দেখুন 8 নম্বর অম্বিলিকাল ভেন ক্যারিজ ঠিক আছে। তো আমার অম্বিলিকাল ভেন কোণ ক্যারি করে দেখুন অপশন অক্সিজেনেটেড ব্লড ক্যারি করে না ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লড ক্যারি করে না মিক্সড ব্লড ক্যারি করে না অল অফ দি এবভ ক্যারি করে ঠিক আছে। তো দেখা কত পিলা রাইট আনসর জনা আছে। তো নিজে যদি আপনার জনা থাকে সাগে সাগে কমেন্ট সেসনে কমেন্ট করে দিও আমি আপনার কমেন্টর অপেক্ষার অছু আপনার নিশ্চিন্ত কমেন্টর রিপ্লাই দেবু। তো জলদি জলদি যাই আপনার রাইট আনসর কমেন্ট সেসনে কমেন্ট করে দিও। তো দেখা কত পিলা নিজে তাঁর পাঠপড়া কনসর্ন অনেক আপ কত পিলা রাইট আনসর দেওয়া ঠিক আছে। তো আপনার কমেন্টকে অপেক্ষা রহিলা নিশ্চিন্ত আপনার কমেন্ট করেদেবে। তো ঠিক আছে আমি এবার নেক্সট কোশ্চিন যা তো নেক্সট কোশ্চিন দেখুন নেক্সট 9 নম্বর কোশ্চিন আপনার কোণ অ না আকোডিয়া মিন্স ঠিক আছে। তো আকোডিয়া মানে কোণ এটি আপনার কহবার অছি ঠিক আছে। এসব টর্ম উপরে আপনার নিশ্চিত জাঁথা দরকার যেটা কি আমার মেনলি আজ আপনার জাঁথে আমার ক্লাসটি হচ্ছে কোণ দ্যাট ইজ আমার প্রেগনেন্সি আর চাইল্ড বার্থ উপরে ঠিক আছে। তো এই কেস্রে আমার আকোডিয়ার মানে কোণ এটি আপনার কহবার অছি। তো আকোডিয়ার মানে কোণ অপশন দেখুন লেন্দি কর্ডকু আমি আকোডিয়া বলে কহবা না টুইস্টেড কর্ডকু আমি আকোডিয়া কহবা না সর্ট কর্ডকু আমি আকোডিয়া কহবা না নন অফ দি এভ ঠিক আছে। তো দেখা কত পিলা রাইট আনসর দেখছেন। তো যদি আপনার রাইট আনসর জনা থাকে তো কমেন্ট সেসনে কমেন্ট করে দিও আর হ্যাঁ যদি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগুচি নিশ্চিন্ত আপনার কমেন্ট সেসনে গোটে থ্যাঙ্ক ইউ বলে নিশ্চিন্ত গোটে কমেন্ট করে পারবে ঠিক আছে। তো দেখা কত পিলা রাইট আনসর দেখছেন। তো রাইট আনসর ইজ কোণ দ্যাট ইজ অপশন সি সর্ট কর্ড ঠিক আছে। আকোডিয়ার মানে কোণ দ্যাট ইজ আমার সর্ট কর্ড যেটা কি নিয়রলি আবসেন্স পুরা মানে পুরা কমি যাই যেটা কি কর্ডটা আমি কোণ বলে কহবা আকোডিয়া ঠিক আছে। যেটা কি আবসেন্স অফ কর্ড অর আমার সর্ট কর্ড ঠিক আছে। তো এক্সপ্লানেশন দেখুন এক্সপ্লানেশন কোণ কহিলা না ইন আকোডিয়া দ অম্বিলিকাল কর্ড ইজ আইদর আবসেন্ট অর এক্সট্রিমলি শর্ট ইন লেন্থ দ্যাট ইজ নিয়র কমপ্লিট আবসেন্স ইট ইজ অলসো নোন আজ অম্বিলিকাল কর্ড আজেনেসিস দ প্লাসেন্টা ইজ অ্যান অর্গান দ্যাট কনেক্টস দ ডেভেলপিং ফিটস টু দি ইউটেরাইন ওয়াল। তো কোণ কহিলা না আমার আকোড়িয়া কহিলে কোণ না অম্বিলিকাল কর্ডটা পুরা আবসেন্ট থাকে নহলে পুরা শর্ট থাকে যেটা কি আমার নিয়রলি কমপ্লিটলি আবসেন্স যেটা আমি আউ কোণ বলে দ্যাট ইজ অম্বিলিকাল কর্ড আজেনেসিস যেটা কি আপনার জাঁথে আমার অম্বিলিকাল কর্ড আমার যে রহিলা আমার কাহাকু কাহাকু কনেক্ট করে দ্যাট ইজ আমার ইউটেরাইন ওয়াল আউ রহিলা যে ফিটস। তো ঠিক আছে ভাবুছি আপনার নিশ্চিন্ত বুঝিপারে যেটা কি আমার আকোড়িয়া মানে হচ্ছে কোণ দ্যাট ইজ আবসেন্স অফ কর্ড অর্ড হচ্ছে আমার শর্ট অফ কর্ড ঠিক আছে। আমি এবার নেক্সট কোশ্চিন যা তো নেক্সট কোশ্চিন দেখুন কোণ অছি না পিউরিপেরিয়াম স্টার্টস উইথ ঠিক আছে। তো পিউরিপেরিয়াম পিরিয়ড যে আমার থাকে সেটা আমার কেবে স্টার্ট হুয়ে ঠিক আছে। দেখুন এক্সপালসন অফ ফিটস রু আমার স্টার্ট হুয়ে পিউরিপেরিয়াম পিরিয়ড না এক্সপালসন অফ প্লাসেন্টা রু আমার পিউরিপেরিয়াম পিরিয়ড স্টার্ট হুয়ে না ইনিসিয়েসন অফ ব্রেস্ট ফিডিং রু আমার পিউরিপেরিয়াম স্টার্ট হুয়ে না অনসেট অফ লেবর রু আমার পিউরিপেরিয়াম স্টার্ট হয়ে ঠিক আছে। তো আমার পিউরিপেরিয়াম কেবেঠু স্টার্ট হয়ে থাকে আপনার এটি রাইট আনসর কহবার অছি। তো যদি আপনার রাইট আনসর জনা থাকে সাগে সাগে কমেন্ট সেসনে কমেন্ট জলদি জলদি করে দিও। তো রাইট আনসর কোণ হব দ্যাট ইজ অপশন বি ইজ দ রাইট আনসর দ্যাট ইজ এক্সপালসন অফ প্লাসেন্টা। পিউরিপেরিয়াম আমার কেবেঠু স্টার্ট হুয়ে দ্যাট ইজ আমার যেত প্লাসেন্টার এক্সপালসন হয়ে যায় বা আমার প্লাসেন্টার ডেলিভারি হয়ে যায় তো তাপরঠু আমার পিউরিপেরিয়াম পিরিয়ড স্টার্ট হয়ে থাকে ঠিক আছে। তো জমা বি কনফ্যুজ হবেনি। তো পিউরিপেরিয়াম পিরিয়ড কেবে না আমার এক্সপালসন অফ প্লাসেন্টা পরে স্টার্ট হুয়ে যেটা কি আমার কত পিরিয়ড যাই রুয়ে দ্যাট ইজ 6 উইক্স ঠিক আছে। আফটর আমার এক্সপালসন অফ প্লাসেন্টা
2-6 weeks जाए आम जो पीरियड टाइम रहा आम कौन कहता है दैट इज प्यूरीपेरियम पीरियड। ठीक अच्छे आपको एक्सप्लेनेशन देखे दूसरी देखो एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना प्यूरीपेरियम इज डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी दिस पीरियड इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी 6 weeks ऑफ ड्यूरेशन जोड़ा कि आपको कहली आफ्टर प्लासेंटल डिलीवरी टू आम 6 weeks जाए आम कौन कही था दैट इज प्यूरीपेरियम पीरियड। ठीक अच्छे तो भावी आपने निश्चिंत बुझीपारे आपको निश्चिंत सब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगी तो जदि आपको क्वेश्चन भल लगी आपने कमेंट सेक्शन में जाए थैंक यू बोली कमेंट कर दिखाँ। ठीक अच्छे आउ हाँ जदि आपको भिडियो टिके भल लगी टिके भी इंटरेस्टिंग लगी देन यहाँ हूँ आम फोनपे पेटीएम नंबर आपंपर कैपेबल अनुजाई आपने हार्डवर्क को सपोर्ट करेंगे आउ हाँ जो पिला पेमेंट करते तार स्क्रीनशॉट आमको आम यही नंबर में व्हाट्सअप अच्छे आमको जल्दी जल्दी सेंड करूँ आम आपको गोटे इंटरेस्टिंग ग्रुप में आड करदेबू से बहुत पिला आड होगी जदि आपड होगा चाहते ये आपबल अनुजाई 100, 200, 300 जहाँ भी आपने पेमेंट कले आम आपको से इंटरेस्टिंग ग्रुप में आड करदेबू तो ठीक अच्छे जदि आपने जॉइन होगा चाहते ये आज पर कैपेबल आपने निश्चिंत पेमेंट करी आमको स्क्रीनशॉट शेयर करले हम आपको ऐड कर देबो। तो आज भिडियो ये जदि आपको भिडियो भल लगी निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपंप सांग सहित आपंप सब ग्रुप में भिडियो को शेयर करूँ जमीक सब पिला भिडियोर लाभ पापर आउ हाँ जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना ए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को ऑल रखु यही इंटरेस्टिंग भिडियो आग प्रथम आपने देखिपर आदि आम पूर्व भिडियो सब देखी ना पूर्व क्लास भिडियो को देखापी आपने डिस्क्रिप्सन में जाकर सब भिडियो लिंक अच्छे देखिपारे ना चैनल को मैं जाकर सब इंटरेस्टिंग क्लास भिडियो को आपने निश्चिंत देखिपारे आदि आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन ना तले डिस्क्रिप्सन में लिंक अच्छे जाकर जल्दी जल्दी आम ग्रुप में आड हो जाए किसी भी अपडेट किसी भी न्यू भिडियो आसूसी आपने सर्वप्रथम तार नोटिफिकेशन निश्चिंत पारे तो ठीक अच्छे आज भिडियो ये नेक्स्ट देखा आगामी एमती गोटे इंटरेस्टिंग भिडियो सहित तो आज रही जय जगन्नाथ।